गुरुदेव। हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी को। और बिल्कुल अब रेगुलर लाइव आ जाओ, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, समझो एग्ज़ाम बस 30 दिन बचे हुए हैं। अब जो कुछ करना है हमें 30 दिन में करना है, बाकी करने का कुछ नहीं बचेगा। बस फिर आपसे आराम से मस्त तरीके से घूमो फिरो, कुछ भी करो। 30 दिन बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ लो अच्छी तरीके से, जिससे दोबारा ना पढ़ना पड़े कभी भी। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप पढ़ रहे हैं। देखो मैं इसको बोर्ड पर पढ़ा था, लेकिन अब टाइम मात्र 30 दिन का बचा हुआ है। यदि इस टॉपिक को मैं बोर्ड के ऊपर पढ़ा था तो ये क्लास मेरी समथिंग बनती 1.5 से 2 घंटे की, और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। बाकी मैं समझाऊंगा उसी तरीके से, वो की वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब हमारा टाइम कम है हमारे पास, तो हमें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो कल हमने बेलनाकार प्रक्षेपों के बारे में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से, कि बेलनाकार प्रक्षेप क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, सारा सब कुछ पढ़ लिया था हमने। और आज हम पढ़ेंगे जो रचना विधि। देखो जो मैप प्रोजेक्शन था, मानचित्र प्रक्षेप था, उसको तीन विधि सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला रचना विधि के आधार पर, दूसरा गुणों के आधार पर, तीसरा प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हमने रचना विधि के आधार पर स्टार्ट किया था, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बेलनाकार होता है, दूसरा शंक्वाकार होता है, तीसरा शिरोबिंदु होता है जिसको जेनिथल बोलते हैं, और चौथा हमारा होता है कौन सा, रूढ़ प्रक्षेप होता है। ठीक है, तो अब हम जो कल था वो बेलनाकार प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ लिया था हमने, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला था बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप, दूसरा बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, तीसरा मर्केटर प्रक्षेप। आज हम स्टार्ट करेंगे शंक्वाकार प्रक्षेप। कौन सा है? शंक्वाकार प्रक्षेप है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर हम जो चीज़ अंडरलाइन कर रखा हूँ केवल वो पढ़नी है। शंकु के आकार में मुड़ा हुआ जो शंक्वाकार प्रक्षेप है, नाम से पता चल रहा है किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। शंक्वाकार प्रक्षेप शंकु के आकार का होता है। इसका शीर्ष बिंदु ध्रुव के बिल्कुल ऊपर होता है, और इसका जो शीर्ष बिंदु होता है वो ध्रुव के बिल्कुल ऊपर होता है। जैसे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको। देखो एक बार इन लाइनों को और पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर भीतरी तल ग्लोब की किसी अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, इसे मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश कहते हैं। एक बार वापस पिछले पेज पर जाना होगा, और वहां पर मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में शंकु का, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में शंकु का भीतरी तल ग्लोब को किसी अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, भीतरी तल ग्लोब को किसी अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, इसे ही मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश कहते हैं। ये डेफिनेशन है, मैंने बता दिया आपको, बाकी याद मत करो, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मानक अक्षांश या प्रधान अक्षांश क्या होता है, मत पढ़ो इसको। जिस रेखा के सारे शंकु शीर्ष बिंदु से आधार तक टिका होता है उसे मध्य देशांतर कहते हैं। ये बात पूछ लेता है वो, कि जिस रेखा के सारे शंकु शीर्ष बिंदु से आधार तक टिका होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य देशांतर कहते हैं। ये बात पढ़ने लायक है, ध्यान रखने लायक है। अब हम पढ़ते हैं भाई थोड़ा सा आगे। ये है हमारा क्या, शंकु के आकार का प्रक्षेप। देखो इसका आकार देखो, सबसे पहले बिल्कुल शंकु के आकार का है, शंकु बिल्कुल इसी तरीके का होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का शंकु होता है। यहाँ पर देखो सारी सारी ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सीधी हैं, क्या है, बिल्कुल सरल रेखाएं हैं। ये क्या है, सारे सारे अक्षांश हैं। ठीक है, जो चाप के आकार के, जब आप 10th 12th में समथिंग 8 से 10th क्लास में हम पढ़ते थे तो मैथ में चाप बनाते थे हम, 8वीं प्रश्नावली थी, आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान हो, जब हम एंगल का प्रश्नावली पढ़ रहे थे तो वहां पर चाप बनाते थे, ऐसे चाप ऐसे बनता है। तो ये सारे सारे अक्षांश हैं जो किसके आकार के हैं, चाप के आकार के हैं। ये सारे सारे देशांतर हैं जो एक बिल्कुल सरल रेखा में है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें एक एक करके। देखो सबसे पहले शंकु प्रक्षेप के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूं मैं, यहां पर आ जाओ डायरेक्ट। देखो यहां पर लिखा हुआ है, अक्षांश वर्त भी सैकेंद्र वर्तों के चाप होते हैं।
यहाँ पर जो अक्षांश होते हैं वो सेकेंडरी वृत्तों के चाप होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सेकेंडरी वृत्त शब्द का प्रयोग हुआ है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब क्या होता है इसको भी मैं बताता हूँ आपको। सेकेंडरी वृत्त क्या होता है भाई, देखो सेकेंडरी वृत्त होता है, देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर जो ये अक्षांश है, इसके अलावा यहाँ पर जो ये अक्षांश है, ये सारे के सारे अक्षांश इस केंद्र बिंदु से बनाए गए हैं। क्या है? इस केंद्र बिंदु से बनाए गए हैं। इस केंद्र बिंदु पर ऐसे अंगुली रखा और इस तरीके से बनाए हुए हैं ये सारे के सारे अक्षांश। ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक केंद्र पर प्रकार की निब को रखकर, और जो हम चारों तरफ गोले बनाते हैं ना वो क्या होते हैं? सेकेंडरी वृत्त होते हैं। जैसे ये प्रकार की निब को रखा और फिर हम क्या बनाते हैं? गोले बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? हमारे सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर हमने क्या किया? प्रकार की निब रखी और यहाँ से हमने क्या बनाई? चाप बनाई। तो ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी वृत्त हैं। कैसे हैं? सेकेंडरी हैं। ठीक है, बेलनाकार में भी सेकेंडरी शब्द का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान आ गई आपको कि अक्षांश वृत्त सेकेंडरी वृत्तों के चाप होते हैं। सारे के सारे अक्षांश वृत्त होते हैं जो ध्रुव को सेंटर मान के और ऐसे खींचे हुए होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। इन प्रक्षेपों पर समस्त संसार का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। जब केवल मानक अक्षांश पर ही मापनी शुद्ध है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि इसके द्वारा केवल मानक अक्षांश वाला जो क्षेत्र है या फिर मानक अक्षांश के जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसी का ही मानचित्र बनाया जा सकता है। इसके द्वारा पूरी पूरे विश्व का मानचित्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मानक अक्षांश के अलावा बाकी का जो क्षेत्र है वह क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर उसकी जो मापक है, उसका जो मापनी है वो क्या है? अशुद्ध है। अपितु ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये बात ध्यान रखना, शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है, लेकिन इनके द्वारा संसार का मानचित्र नहीं बनाया जाता। संसार का मानचित्र नहीं बनाया जाता, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, अक्षांश वृत्त भी सेकेंडरी वृत्तों के चाप होते हैं। अब आगे आ जाओ भाई, यहाँ पर जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, शंकु के आकार का प्रक्षेप होता है, उसकी हम कुछ विशेषताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखो यूनिवर्सल मॉनिटर मस्ट क्लास, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, शंक्वाकार प्रक्षेपों के सर्वनिष्ठ लक्षण अथवा विशेषताएं अथवा गुण। यहाँ पर हम जो शंकु के आकार का जो प्रक्षेप होता है, जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, उसके कुछ लक्षण हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके कुछ गुण हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ले लो अक्षांश, कि भाई अक्षांशों की क्या विशेषता होती है। सभी शंक्वाकार प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं वृत्तों का चाप होती हैं। मैंने अब भी बताया था आपको डायग्राम में दिखा कि डायग्राम किस कुछ इस तरीके से बना हुआ था, हमारा इस तरीके से था डायग्राम। ठीक है, आपको पता है ना इस तरीके से था डायग्राम। तो यहाँ पर जो सभी अक्षांश है वो क्या है? अक्षांश रेखाओं की चाप होती हैं। सभी शंक्वाकार प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं वृत्तों की चाप होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके आगे चलो, आगे बताए यहाँ पर देखो, इसके अलावा दूसरी बात है, शंकु प्रक्षेप में सेकेंडरी वृत्त की चाप होती हैं। जो अक्षांश होती हैं वो क्या होती हैं? सेकेंडरी वृत्तों की चाप होती हैं, अर्थात ये सभी चापें एक ही केंद्र से खींची जाती हैं। केवल बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में ही ये सेकेंडरी वृत्तों के चाप नहीं होते हैं। ध्यान रखना, जो बहुशंक्वाकार प्रक्षेप होता है उसमें समस्त अक्षांश सेकेंडरी वृत्तों के चाप नहीं होते हैं, बाकी जितने भी शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं उसमें समस्त अक्षांश सेकेंडरी वृत्तों के चाप होते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा भी चाप द्वारा नहीं बल्कि सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है।
यहाँ पर आपको जो शंक्वाकार प्रक्षेप था उससे रिलेटेड दो बातें पता चली कि बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में सभी अक्षांश सकेंद्री वृत्तों के चाप नहीं होते हैं। दूसरी बात, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा भी चाप द्वारा नहीं बल्कि सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, उसके बाद भाई देशांतरों के बारे में पढ़ लो कि देशांतरों से संबंधित क्या बातें हैं। तो देखो, देशांतरों की पहली बात पढ़ो कि केंद्रीय देशांतर रेखा एक सरल रेखा होती है, अन्य देशांतर रेखाएं या तो सरल रेखाएं होती हैं या वक्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये ओवरऑल पूरे पूरे शंक्वाकार प्रक्षेप की बात की गई है कि इसमें जो केंद्रीय देशांतर रेखा होती है या तो सरल रेखा होती है, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो केंद्रीय देशांतर रेखा होती है वो तो बिल्कुल सरल रेखा होती है। बाकी के जो अन्य देशांतर हैं वो या तो इस तरीके से सरल हो सकते हैं, इस तरीके से सरल हो सकते हैं, या फिर वो सभी के सभी, ये हमारा क्या है, केंद्रीय देशांतर रेखा है, बाकी या सभी इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वक्र रेखाएं हैं। जब आगे शंक्वाकार प्रक्षेपों के और पार्ट्स पढ़ेंगे वहां पर हमें पता चल जाएगा कि शंक्वाकार जो अन्य देशांतर रेखाएं होती है वो वक्र रेखाएं होती हैं या सरल रेखाएं होती हैं। ये क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो आगे जो इसके जो सब पार्ट्स हैं उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखो, यहाँ पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का पारस्परिक प्रतिच्छेदन, मानक अक्षांश अथवा अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं का तथा केंद्रीय देशांतर रेखाओं पर अक्षांश रेखाओं का प्रतिच्छेदन समकोण पर होता है। ठीक है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का पारस्परिक प्रतिच्छेदन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मानक अक्षांश तथा अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं का केंद्रीय देशांतर रेखा पर अक्षांश रेखाओं का प्रतिच्छेदन समकोण पर होता है। ये बात जब मैं आगे इसके तीन पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। जो शंक्वाकार प्रक्षेप है इसके जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग भाग पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं इस बात को आपको प्रूफ दे दूंगा कि कौन सी स्थिति में केंद्रीय देशांतर रेखा पर समस्त अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या किस स्थिति में मानक अक्षांश या अक्षांशों पर देशांतर रेखाएं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगली बात है, अक्षांश रेखाओं का मापक, मानक अक्षांश रेखा पर रेखाओं पर मापक शुद्ध होता है। जो मानक अक्षांश रेखा होती है उसके ऊपर क्या होता है, मापक शुद्ध होता है। अन्य अक्षांश रेखाओं पर मापक में वृद्धि या कमी हो जाती है। ठीक है, बोन प्रक्षेप तथा बहुसंख्यक प्रक्षेप में सभी अक्षांशों पर मापक शुद्ध होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि मानक अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है। बोन प्रक्षेप और बहुसंख्यक प्रक्षेप में सभी अक्षांशों पर मापक शुद्ध होता है। ये दोनों बातें आप दिमाग में घुसेड़ लो कि मानक अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है, इसके अलावा बोन प्रक्षेप और बहुसंख्यक प्रक्षेप में सभी अक्षांशों का मापक शुद्ध होता है। इस बात को खोपड़े में बैठा लो। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, देशांतरों का मापक पढ़ते हैं। केंद्रीय देशांतर पर मापक शुद्ध होता है। जो केंद्रीय देशांतर होता है उसके ऊपर मापक शुद्ध होता है। जो बीच बीच का बिल्कुल सेंटर लाइन होता है उसके ऊपर क्या होता है, मापक शुद्ध होता है। उसके बाद इनके उपयोग पढ़ लेते हैं कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है उसके उपयोग क्या क्या है। तो भाई इसका उपयोग पढ़ लो कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है यह प्राय मध्य अक्षांशों या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है ये सामान्यतः मध्य अक्षांशों या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। अब आगे चलो भाई लोगों, अब हम जो शंक्वाकार प्रक्षेप है उसके प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन, क्या है, टाइप्स ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन। तो भाई आ जाओ, टाइप्स ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। तो जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है, जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, उसका पहला प्रकार तो कौन सा है, उसका पहला प्रकार है एक मानक अक्षांश
रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार है दो मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, तीसरा है बौन प्रक्षेप और चौथा है बहुशंकुक प्रक्षेप। तो जो शंक्वाकार प्रक्षेप है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है एक मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है दो मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, तीसरा है बौन प्रक्षेप और चौथा है बहुशंकु प्रक्षेप। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले एक मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, एक मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप। तो भाई इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। यह केवल एक ही मानक देशांतर रेखा होती है। ठीक है, इसमें केवल एक ही मानक देशांतर रेखा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो एक मानक शंक्वाकार प्रक्षेप होता है उसमें केवल एक ही मानक देशांतर रेखा होती है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर हमने दो तीन बातों को, इसके लक्षण पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो एक मानक अक्षांश साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप है इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो एक बार इसको मैं पूरे को मिनिमाइज करता हूँ और आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है इसका डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम किसका है, एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप का है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो ये वाली लाइन है थोड़ी थोड़ी डार्क हो रही है। ये क्या है, ये एक मानक अक्षांश है। क्या है, ये एक मानक अक्षांश है। ठीक है, इसमें एक लाइन डार्क हो रही है, एक मानक अक्षांश। जो दो मानक अक्षांश होगा उसमें दो जो अक्षांश रेखाएं वो क्या होंगी, डार्क होंगी। ये एक इसकी विशेषता नहीं है, लेकिन यदि बाई चांस एग्जाम में डायग्राम से पूछ ले तो जो डार्क रेखा होती है वो क्या होती है, मानक अक्षांश होता है। अब देखो मानक अक्षांश की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशों का आकार। तो अक्षांशों का आकार देखी जाए तो भाई मानक अक्षांश सहित सभी अक्षांश, मानक अक्षांश सहित सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप जिसका केंद्र शंकु का शीर्ष बिंदु है, ध्रुवी एक चाप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार डायग्राम पर चलो और डायग्राम में दिखाता हूँ क्या है। देखो सबसे पहली विशेषता दी हुई है यहाँ पर, पहली विशेषता देखो यहाँ से उठाओ पहली विशेषता और यहाँ पर पढ़ो कि एक अक्षांशों का आकार, अक्षांशों का आकार कि मानक अक्षांश सहित सभी अक्षांश, मानक अक्षांश सहित सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप होती हैं। तो यहाँ पर देख लो सकेंद्रीय वृत्त क्या है, एक बिंदु को केंद्र मान के खींचे गए वृत्त होते हैं ये। ठीक है, तो ये जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। क्या है, ये सारे के सारे सकेंद्रीय वृत्त हैं, ये इस बिंदु को केंद्र मान के खींचे गए हैं। जहाँ पर प्रकार की निब रखी उसके बाद ये सारे के सारे अक्षांश बनाए गए हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल में बनाते थे ना उसी तरीके का मामला है यहाँ पर। उसके अलावा जिसका केंद्र शंकु का शीर्ष बिंदु है, इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र शंकु का शीर्ष बिंदु है, शंकु का शीर्ष बिंदु ये रहा, ये क्या है, इसका केंद्र है, इसको केंद्र माना और ये अक्षांश रेखाएं खींची। तो ये सारी सारी अक्षांश रेखाएं क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है। उसके बाद ध्रुव भी एक चाप रेखा द्वारा, चाप द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ पर भाई देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर जो ये ध्रुव है, ध्रुव कौन सा है, यहाँ पर ये है, ये किसके द्वारा प्रदर्शित है, एक चाप के द्वारा प्रदर्शित है। तो यहां पर देखो जो इस ना यहां पर शंकु में देखो, इसको मैंने जूम क्यों किया है, इसी वजह से किया है। देखो यहां पर क्या है, एक शंकु के द्वारा दिख रहा है हमें। तो जो एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप होता है उसमें जो पोलर होता है, जो ध्रुव होता है, वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, एक चाप के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पर P लिखा हुआ है देख लो। अब उसके बाद देशांतर रेखाओं का बारे में पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं देशांतरों का आकार। तो भाई देशांतरों का आकार पढ़ेंगे तो सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष बिंदु से विकृत होने वाली सरल रेखाएं हैं।
देशांतरों का आकार पढ़ोगे तो देशांतरों का आकार में लिखा हुआ है कि सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष बिंदु से विकृत होने वाली सरल रेखाएं हैं। ठीक है, पेपर आ गया गुरु, ऑनलाइन स्टडी विद रवि। हाँ भाई पेपर आ गया, और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने लग जाओ। और जो भी चैनल के ऊपर नया है चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा टारगेट अब की बार 200 बंदों का जेरफ करवाना, और एक महीने का टाइम है। पूरी कोशिश करूँगा, आपकी पूरी हेल्प चाहिए, 100% हम सिलेक्शन लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई आप सीरियस होकर लग जाओ। अब देखो देशांतरों का आकार, कि जो एक अक्षांश वाला या एक मानक अक्षांश वाला शंकुआकार प्रक्षेप होता है उसमें देशांतरों का आकार कैसा होता है, सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष बिंदु के विकृत होने वाली सरल रेखाएं होती हैं। यहाँ पर देख लो इस डायग्राम में, सभी देशांतर रेखाएं क्या है, एक केंद्र से क्या हो रही है, विकृत हो रही है, एक केंद्र से निकल रही है। इस तरीके से देख लो, सारी सारी क्या है, एक केंद्र से निकल रही है, तो ये क्या हो रही है, एक केंद्र से विकृत हो रही है, यही है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे की बात पर आते हैं, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का परस्पर छेदन। अब इसकी बात की जाए कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का परस्पर छेदन, तो यहाँ पर यह बात लिखी हुई है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हर स्थान पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दिखाता हूँ कैसे काट रही है समकोण पर। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, 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 यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। इसके अलावा इस साइड आ जाओ, कहीं भी देख लो, सब जगह अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। कहीं भी देख लो, छोटा से छोटा उठा लो चाहे बड़े से बड़ा उठा लो, हर जगह 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है सभी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये बात आपको दिमाग में घुसेड़नी है। अब भाई मापक की बात की जाए, अक्षांश रेखाओं का मापक, तो सीधी सी बात है, एक बात ध्यान में कर लो, तो देखो मानक अक्षांश पर मापक शुद्ध होता है। केवल एक बात ध्यान रख लो कि मानक अक्षांश पर मापक शुद्ध होता है। इसके अलावा ध्रुव एक चाप द्वारा दिखाई देता है, यहाँ पर मानक अक्षांश पर मापक शुद्ध होता है, ध्रुव एक चाप द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, ध्रुव चाप द्वारा दर्शाया जाता है इसमें, और मानक अक्षांश पर मापक शुद्ध होता है, ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। उसके बाद देशांतर रेखाओं का मापक पढ़ो, तो भाई देशांतर रेखाओं का मापक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मापक हर स्थान पर शुद्ध होता है, मतलब सभी देशांतरों पर मापक शुद्ध होता है। जो एक मानक अक्षांश वाला शंकुआकार प्रक्षेप होता है उसमें एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, साथ ही साथ सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। दोबारा से बता रहा हूँ, एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, सभी देशांतरों पर मापनी शुद्ध होती है, ध्रुव होता है जो चाप के द्वारा दिखाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। ठीक है, इसके अलावा देख लो, यह न तो समक्षेत्र प्रक्षेप होता और न ही सम आकृतिक प्रक्षेप होता। जो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप होता है वो ना तो समक्षेत्र प्रक्षेप होता और ना ही सम आकृतिक प्रक्षेप होता, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पढ़ लो, अक्षांशीय मापक केवल मानक अक्षांश रेखा पर ही शुद्ध होता है। जो अक्षांशीय मापक है वो केवल मानक अक्षांश रेखा पर ही शुद्ध होता है, ये बात भी आप ध्यान में रख लो अच्छी तरीके से, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं उपयोग, तो जो एक मानक अक्षांश वाला जो प्रक्षेप होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो भाई लोगों सीधी सी बात है, एक मानक अक्षांश वाले जो शंकुआकार प्रक्षेप होता है उसके द्वारा कैनेडियन पैसिफिक रेलवे दिखाया जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे दिखाया जाता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई जाती है। ये तीनों की तीनों बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दिखाने के लिए कौन से प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। कनेडियन पैसिफिक रेलवे को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। यह पूछ लेता है कि कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को या इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे आ जाओ भाई। अब हम पढ़ते हैं दो मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप। क्या पढ़ते हैं? दो मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आ जाओ भाई। सबसे पहले तो इसका ये डायग्राम है। ये किसका है? दो मानक अक्षांश वाले का है। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक तो ये लाइन डार्क हो रही है, एक ये लाइन डार्क हो रही है। ये दोनों की दोनों क्या है? मानक अक्षांश है। क्या है? ये दोनों के दोनों मानक अक्षांश हैं। अब देखो मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो और एक मानक अक्षांश वाले का स्ट्रक्चर देखो। वहां पर आपको बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेंगी। तो ध्यान रखना, जो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप है उसको याद कर लो, दो मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप आपको याद नहीं करना है। क्योंकि एक मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती थी, दो मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप में दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। बाकी वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। क्या? वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रीय देशांतर रेखा बिल्कुल सीधी है, बाकी अन्य देशांतर रेखा भी बिल्कुल सीधी है। सभी अक्षांश वर्त क्या है? सभी अक्षांश वर्त क्या है यहाँ पर? सभी अक्षांश वर्त सकेंद्रीय वर्त है। क्या है? सकेंद्रीय वर्त है या चाप की आकृति के हैं। सभी अक्षांश वर्त हैं जो सकेंद्रीय आकृति के हैं या चाप की आकृति के हैं। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी बात है, याद करने का एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर भी जो ध्रुव होता है वो एक चाप के द्वारा दिखाई दिखाया जाता है। देखो यहाँ पर देख लो, ध्रुव को किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? एक चाप के द्वारा दिखाई जा रहा है। यहाँ से निकल रही हैं सारी सारी अक्षांश रेखाएं, ठीक है, वो सॉरी देशांतर रेखाएं निकल रही हैं सारी सारी यहाँ से। तो इसमें भी ध्रुव को किसके द्वारा दिखाया जाता है? एक चाप के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो देखो एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप और दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, इसमें दोनों में केवल एक डिफरेंट है। दोनों में सभी देशांतरों पर मापनी शुद्ध होती हैं, दोनों में अक्षांश देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के एंगल पर कोण बनाती हैं, दोनों में सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, दोनों में ध्रुव चाप के द्वारा दिखाया जाता है, दोनों में सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सकेंद्रीय वर्त होती हैं, जो ध्रुव को सेंटर मान के और खींची हुई होती हैं। किसको? ध्रुव को सेंटर मान के खींची हुई होती हैं। तो बिल्कुल सारों में समानता है, सभी की सभी समानता है दोनों में, केवल दो अंतर है। पहला अंतर है कि जो एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप है उसमें एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, और जो द्विमानक अक्षांश वाला प्रक्षेप है उसमें दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, बाकी सब कुछ समान है। तो इसलिए ध्यान में रखना, ये दोनों डिफरेंस सबसे बड़े डिफरेंस है। एक मानक अक्षांश प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश प्रक्षेपों से दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, या निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप में दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दिखाने के लिए कौन से प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाने के लिए कौन से प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे को दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी क्योंकि बाकी की जो सारी सारी है वो समानताएं हैं। ये दो डिफरेंस है जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो मानक अक्षांश वाला, दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध, एक मानक अक्षांश वाले में एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध। ठीक है, तो इसमें आपको और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी का सारा सारा एक मानक अक्षांश वाले की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, उपयोग। उपयोग क्या है?
देखो इसका एक तो ग्रैंड टैंक रोड को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और ग्रैंड टैंक रोड को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक गोलार्ध की कुछ वृद्ध प्राकृतिक प्रदेश आदि दर्शाने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी होता है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना है आपको, एक मानक अक्षांश के द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों का डायग्राम बनाया जा सकता है, द्वि मानक के द्वारा कौन कौन से क्षेत्रों का। जो ट्रांसआइबियन रेल मार्ग है, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, कैनेडियन पैसिफिक है, तो कैनेडियन पैसिफिक दो मानक अक्षांश द्वारा दिखाया जाता है। ट्रांसआइबेरियन इंटरनेशनल बाउंड्री संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की, ये किसके द्वारा दिखाई जाती है, एक मानक अक्षांश वाले के द्वारा दिखाई जाती है। अब भाई तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है हमारा बॉर्न प्रक्षेप। कौन सा है? बॉर्न प्रक्षेप। इसको भी पूरे को पढ़ेंगे हम, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे बॉर्न प्रक्षेप को। तो भाई लोगों, सबसे पहले मैं आपको बॉर्न प्रक्षेप का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है बॉर्न प्रक्षेप का डायग्राम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप है, स्टार्टिंग में बताया था कि शंक्वाकार प्रक्षेप में या तो सभी, देखो उसमें मैंने पहले बात बताई थी कि केंद्रीय देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं, तो कोई सा भी शंक्वाकार प्रक्षेप ले लेना, सभी में जो केंद्रीय देशांतर रेखा होगी बिल्कुल सीधी होगी। दूसरी बात बताया था, या तो देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं या फिर वक्राकार होती हैं। तो यहाँ पर क्या है? वक्राकार है, वक्र के आकार की है, ठीक है। इससे पहले के दो प्रक्षेप थे वहां पर क्या थी? बिल्कुल ऐसे सीधी थी, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिमाग में बैठा है, बाकी समझ जाओगे। ये किसका है? बॉर्न प्रक्षेप का डायग्राम है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या है? ध्रुव है, जो किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? एक बिंदु के द्वारा दिखाया जा रहा है, बिंदु के द्वारा दिखाया जा रहा है, बिल्कुल बिंदु क्लियर दिख रहा है। तो इसमें ध्रुव एक बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें केंद्रीय देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? बिल्कुल सीधी है। इसमें केंद्रीय देशांतर रेखा बिल्कुल सीधी है। अन्य देशांतर रेखाएं क्या है? वक्राकार है, देखो वक्राकार अन्य देशांतर रेखाएं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, समस्त अक्षांश रेखाएं क्या है? सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक चाप के आकार की हैं। समस्त अक्षांश रेखाएं क्या है? सकेंद्रीय वृत्त हैं और चाप के आकार की हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है यहाँ पर, इस क्षेत्र में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। देखो अब बाकी का हम डिटेल से आगे पढ़ते जाते हैं एक एक करके। देखो अक्षांश रेखाओं का आकार, ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप होती हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ध्रुव एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों की चाप हैं। उसके बाद अगली बात देखो, अगली बात देखो, अगली बात में क्या है? केंद्रीय देशांतर रेखा सरल है, अभी मैंने बताया था केंद्रीय देशांतर रेखा बिल्कुल सीधी है, ठीक है। दूसरी बात, देशांतर रेखाएं वक्राकार है, जो अन्य देशांतर रेखाएं हैं वो वक्राकार है। डायग्राम कैसा था? डायग्राम इस तरीके से बना हुआ था वो। चलो एक बार मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। दो बातें ध्यान रखो यहां से, पहली बात केंद्रीय देशांतर रेखाएं सरल रेखा है, अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार है, जो उनकी वक्रत केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर जाने पर बढ़ती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय रेखा कहते हैं। तो जो केंद्रीय देशांतर रेखा है वो क्या है? बिल्कुल सरल रेखा है, बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ पर देख लो, केंद्रीय देशांतर रेखा बिल्कुल सरल और सीधी रेखा है, बाकी सभी देशांतर क्या है? वक्राकार है। कैसे है? वक्राकार है। जैसे जैसे आप ध्रुव से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हो, तो जो देशांतर रेखाओं का जो वक्रता है वो क्या है? बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी रेखा है यहाँ तक, फिर आगे क्या है? घुमाव बढ़ता जा रहा है, आपको भी दिख रहा है घुमाव बढ़ता जा रहा है, ये क्या है? इसकी वक्रता बढ़ती जा रही है। तो ध्रुव से दूर जाने पर समस्त देशांतर रेखाओं की जो वक्रता है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद अक्षांश देशांतर रेखाओं का परस्पर प्रतिच्छेदन, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो परस्पर प्रतिच्छेदन होता है वो समकोण पर काटती हैं। समस्त अक्षांश रेखाएं, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रीय देशांतर रेखा पर सभी अक्षांश रेखाएं
एवं मानक अक्षांश पर समस्त देशांतर रेखाएं समकोण पर काटती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो पिछले एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप थे वहां पर समस्त रेखाएं क्या थी, समस्त अक्षांश रेखाएं, समस्त देशांतर रेखाएं आपस को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही थी। लेकिन यहाँ पर अलग बात है, यहाँ पर केंद्रीय देशांतर रेखा पर समस्त अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। देख लो आप ऊपर, देखो यहाँ पर देख लो आप, मैं बन के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। आप देखो यहाँ पर घुमाव है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। यहाँ पर देख लो 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। और यहाँ पर देखो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि समस्त अक्षांश रेखाएं केंद्रीय देशांतर रेखा पर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके अलावा समस्त देशांतर रेखाएं मानक अक्षांश पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये देख लो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्या है, मानक अक्षांश है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं ध्यान में रखना, केंद्रीय देशांतर रेखा पर समस्त अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, मानक अक्षांश रेखा पर समस्त देशांतर रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, बाकी अन्य अक्षांश व देशांतरों के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। उसके बाद मापक की बात की जाए तो भाई लोगों, पहली सिंपल सी बात है कि सभी अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है और केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है और समस्त देशांतर रेखाओं पर, सॉरी, केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, द्विमानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, वहां पर समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती थी और मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती थी। लेकिन जो बॉन्ड प्रक्षेप है उसमें क्या है, केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है और सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध है। ये बात दिमाग में घुसेड़ लेनी है। उसके बाद आगे देख लो, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि अक्षांशी मापक हर स्थान पर शुद्ध है, केंद्रीय देशांतर रेखा का मापक भी शुद्ध है। बिल्कुल सीधी सी बात है, सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध है और केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है। अब भाई थोड़ा सा आगे चलो और आगे बहुसंख्यक प्रक्षेप के बारे में पढ़ते हैं, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन के बारे में, जो शंक्वाकार प्रक्षेप का चौथा भाग है। कौन सा है, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन। पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन क्या होता है, यह एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है। पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है जिसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश के रूप में खींची जाती है, जिसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा मानक अक्षांश रेखा के रूप में खींची जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे समझा देता हूं मैं आपको और भी बातें। ये है हमारा बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। क्या है, बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। यहां पर देखो, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये क्या है, केंद्रीय देशांतर रेखा है जो क्या है, बिल्कुल शुद्धी है। ये क्या है, मानक अक्षांश है जो बिल्कुल शुद्धी है। ये क्या है, केंद्र है जो बिंदु के रूप में दिखाया जा रहा है। क्या है, ध्रुव है, ये पोलर है ध्रुव, जो किसके रूप में दिखाया जा रहा है, बिंदु के रूप में दिखाया जा रहा है। ये तीन बातें आपकी यहां से कंप्लीट हो गई कि मानक अक्षांश सरल रेखा होती है, केंद्रीय देशांतर रेखा सरल होती है, ध्रुव बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है, भूमध्य सरल रेखा द्वारा और ध्रुव को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि भूमध्य रेखा को सरल रेखा द्वारा और ध्रुव को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से ध्यान देना, मैंने मानक अक्षांश बताया था लेकिन भूमध्य रेखा भी ध्यान रखना। ये क्या है, भूमध्य रेखा है, हाँ सॉरी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, विषुवत रेखा को सीधी रेखा द्वारा दिखाया जा रहा है, केंद्रीय देशांतर को सीधी रेखा द्वारा दिखाया जा रहा है और ध्रुव को बिंदु द्वारा दिखाई दे रहा है। विषुवत रेखा को सीधी रेखा द्वारा, केंद्रीय देशांतर को सीधी रेखा द्वारा, ध्रुव को बिंदु द्वारा। आगे आ जाओ भाई लोगों, देशांतर रेखाओं का आकार, केंद्रीय देशांतर रेखा सरल रेखा द्वारा दिखाई जाती है, अन्य देशांतर वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब भी डायग्राम देखा होगा, वहां से समझ गए होंगे कि केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है। डायग्राम पर चलो, केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है, बिल्कुल शुद्ध है,
बाकी के सब देशांतर कैसे हैं? वक्राकार के हैं। कैसे हैं? वक्राकार के हैं। समझ में आ गया? आगे चलो। अक्षांश देशांतरों का परस्पर प्रतिच्छेदन, ये बात भी ध्यान रखो। भूमध्य रेखा पर सभी देशांतर रेखाएं, केंद्रीय देशांतर रेखा पर समस्त अक्षांश रेखाएं समकोण पर काटती हैं। क्या है कि भूमध्य रेखा पर सभी देशांतर रेखाएं और केंद्रीय देशांतर रेखा पर सभी अक्षांश रेखाएं समकोण पर काटती हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले बन गए, बौन प्रक्षेप और बहुसंख्यक प्रक्षेप। दोनों में केंद्रीय देशांतर रेखा पर समस्त अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा पर समस्त देशांतर रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। दूसरी साइड बात की जाए एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश वाले प्रक्षेप में, तो उसमें क्या होता है? समस्त रेखाएं, समस्त अक्षांश रेखाएं समस्त देशांतर रेखाओं के साथ परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्योंकि वहां पर क्या थी? सभी के सभी रेखाएं बिल्कुल इस तरीके से सीधी थी। सभी देशांतर क्या थे? बिल्कुल सीधे थे। क्यों बना रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल। जो मानक अक्षांश वाला था, एक मानक अक्षांश, दो मानक अक्षांश, उसमें क्या था? समस्त देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी रेखा थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अक्षांश रेखाएं भी वक्राकार हैं और देशांतर रेखाएं भी वक्राकार हैं। अब यहाँ पर बताओ 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना। दो बातें दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, नहीं ध्यान आई तो दोबारा से पढ़ लो एक बार, एक सेकंड के लिए पीछे चले जाओ वीडियो में और अच्छे तरीके से सुन लो उस बात को भी। उसके बाद इसलिए अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध होता है, इसमें सभी अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध होता है और केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापक शुद्ध होता है। वापस वही बात आ गई, बौन प्रक्षेप और बहुसंख्याकार प्रक्षेप दोनों में केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापक शुद्ध होता है और समस्त अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध होता है, जबकि एक मानक अक्षांश और द्विमानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती थी और मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती थी। एक मानक अक्षांश में एक मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती थी, द्विमानक अक्षांश वाले में दो मानक अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती थी। दो ट्विस्ट हो गए यहाँ पर, एक तो एंगल वाला और एक मापनी की शुद्धता वाला। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और अच्छी तरीके से याद भी हो जाना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना है हमें। इस प्रक्षेप पर अक्षांश रेखाओं का मापक हर स्थान पर शुद्ध होता है। ठीक है, यह बात तो मैंने बता दी थी। ये न तो समक्षेत्र होता और न ही समाकृतिक प्रक्षेप होता। जो बहुसंख्यक प्रक्षेप है न तो समक्षेत्रफल प्रक्षेप है और न ही समाकृतिक प्रक्षेप है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आ जाओ भाई, केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर जाने पर आकृतियों में विकार आता है क्योंकि केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है। देखो मैंने कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया था, यदि केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है तो आप केवल उसके द्वारा केंद्रीय देशांतर रेखीय क्षेत्रों का ही, यदि केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध है तो आप केंद्रीय देशांतर रेखा पर या उसके आसपास के क्षेत्रों का ही मानचित्र बना सकते हो, क्योंकि आगे जाने पर विकृति बढ़ती जाएगी। यदि विषुवत रेखा पर मापनी शुद्ध है तो आप केवल विषुवत रेखीय क्षेत्रों का ही मानचित्र बना सकते हो, ऊपर नीचे जाने पर विकृति बढ़ती जाएगी क्योंकि मापनी अशुद्ध है। अब आगे आ जाओ, उपयोग पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। देखो जो बहुसंख्यक प्रक्षेप है इसका प्रयोग स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आप कंफ्यूज मत होना कि सर इनके उपयोग नहीं बताए आपके, इनका इसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। भाई मैं आपकी फीलिंग्स है उनको जानता हूँ। कल मैं जो रूढ़ प्रक्षेप है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट डे जो शिरोबिंदु प्रक्षेप है, जेनिथल प्रोजेक्शन है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। 2 दिन में हो सकता है कल ही कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको, प्रोजेक्शन को। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कौन सा प्रक्षेप किस क्षेत्र का मानचित्र बनाता है, कौन सा क्षेत्र जो प्रक्षेप है वो किस क्षेत्र की आकृतियां बनाने के लिए, किस क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और आपको इस तरीके का बेस्ट बेस्ट कंटेंट पढ़ना है, 100% आपको बहुत शानदार वाला स्कोर करना है, तो प्लीज़ बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, साथ नहीं छोड़ूंगा आपका। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, इस महीने में कंप्लीट करा दूंगा। अगले 15 दिन में रेगुलर पर डे 150 क्वेश्चन सोल्व करवाया करूंगा।
और यदि आप 150 क्वेश्चन पर डे सोल्व करते हो तो 10 दिन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल कितने, 750, और अगले 5 दिन में फिर कितने हो गए, 350, टोटल 1300-1400 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, कम से कम है, कम से कम 1300-1400 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, जिनका एक डिस्क्रिप्शन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, और हो सकेगा तो कल से मैं बिल्कुल रेगुलर इस क्लास को थोड़ी सी लंबी करूंगा, 1 घंटे की किया करूंगा, जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, साथ ही साथ रेगुलर 50 क्वेश्चन सोल्व करवाया करूंगा। कल से ही हमारा लाइव है, फिक्स टाइम पर लागू होगा, 3:15 बजे शाम को, फिर 5 बजे, 3:15 बजे वाले में 1 घंटे की क्लास चलेगी, 4:15 बजे तक, जिसमें इस तरीके की क्लास चलेगी, उसके बाद 5 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास चलेगी, जिसमें हम 50 से 60 या 70 क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे, ठीक है? वो टॉपिक वाइज लेंगे, मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र के क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है? तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। और प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाओ। पूजा शर्मा, केंद्रीय, अच्छा केंद्रीय देशांतर क्या होता है सर? पूजा जी पूछ रही है केंद्रीय देशांतर क्या होता है सर? देखो पूजा जी, आपको ये हमारा क्या है, ये है कोई प्रक्षेप, तो बताओ यहां पर केंद्रीय देशांतर कौन सा है? यहां पर केंद्रीय देशांतर ये है, क्योंकि ये क्या है, केंद्र में, इस साइड 90, इस साइड 90, ये 0, जो 0 डिग्री, जैसे अक्षांशों में 0 डिग्री वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी तरीके से जो देशांतरों में 0 डिग्री मान वाला होता है उसको केंद्रीय देशांतर कहते हैं, ध्यान रखना। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को केंद्रीय देशांतर बोलते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है? और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रेगुलर लगे रहो, 100% सिलेक्शन करवा के रहूंगा मैं, ठीक है? थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पड़े हुए हैं मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट खोलना और ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, रेगुलर 2-2, 3-3 वीडियो देखो, सिलेक्शन लेके रहना है, 30 दिन सफिशियंट है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।